जी हाँ, अब हरियाणा में भी ब्रेस्ट कैंसर का इलाज संभव है। ब्रेस्ट कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, ना ही इससे घबराने की जरूरत है। ये एक से दूसरे में नहीं फैलती। यदि महिलाएं अपनी जागरूकता का परिचय स्वयं दे तो वे समय रहते इस बीमारी की चपेट में आने से सुरक्षित रह सकती हैं। ये कहना है कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 कोर्ट रोड रतगल गुरुद्वारा के निकट स्थित हरियाणा के एकमात्र गठिया एवं स्तन रोग सेंटर की संचालिका एवं ब्रेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलोनी मनचंदा का। खबरनामा हरियाणा के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया कि अब हरियाणा में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज संभव है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। कुरुक्षेत्र में स्थापित हरियाणा के एकमात्र ब्रेस्ट क्लिनिक एबीसी सेंटर सेक्टर 7 में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज संभव है। इस अस्पताल में डॉक्टर सलोनी मनचंदा के नेतृत्व में संपूर्ण महिला स्टाफ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। डॉक्टर सलोनी मनचंदा विश्व विख्यात ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है। आप खुद ही सुनिए ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी के लक्षणों, इसके इलाज और इससे बचाव को लेकर उनसे की गई बातचीत के मुख्य अंश। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सलोनी मनचंदा है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन और ब्रेस्ट डिजीज एक्सपर्ट हूँ और मैं यहाँ एबीसी सेंटर कुरुक्षेत्र में एज अ ब्रेस्ट कंसल्टेंट अवेलेबल हूँ। डॉक्टर साहब, जो ये ब्रेस्ट कैंसर है, आखिर है क्या ये? ब्रेस्ट कैंसर और कैंसरों की तरीके से किसी भी शरीर के हिस्से में जैसे कैंसर हो सकता है, जो कैंसर ब्रेस्ट से शुरू होता है उसे ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। अमूमन ब्रेस्ट कैंसर छाती से शुरू होकर बगल की तरफ या कांच की तरफ जाता है और वहां से शरीर के दूसरे हिस्से में फैलता है। तो क्या इसका इलाज संभव है? ब्रेस्ट कैंसर का इलाज पूर्ण रूप से संभव है। इससे मृत्यु नहीं होती यदि इसको प्रारंभिक चरण में पकड़ा जाए तो। प्रारंभिक चरण मतलब अर्ली स्टेज में यदि इसकी डायग्नोसिस हो तो इसका इलाज संभव है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि अगर संभव है इसका इलाज, तो इसको प्रारंभिक चरण में कैसे पकड़ा जा सकता है? तो प्रारंभिक चरण में पकड़ने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है 3 विषय जो किसी भी महिला को पता होने चाहिए। पहला विषय है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि स्वयं की छाती का परीक्षण करना। दूसरा है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि कोई एक आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर, ANM या फिर कोई एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट कर सकता है। और तीसरा है मैमोग्राफी, जिसे कहते हैं छाती का एक्सरे, जो कि हर महिला जो 40 वर्ष से ऊपर है, चाहे उसे कोई ब्रेस्ट की दिक्कत है चाहे नहीं है, उसे प्रतिवर्ष एक बार कराना अत्यंत आवश्यक है। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि ये प्रोसेस है वेरीफाई करने का इसको, तो इससे कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं होता? लोगों को डर भी रहता है। नहीं, मैमोग्राफी के रेडिएशन से कोई इतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता। ये साल में सिर्फ एक बार होता है। जहां तक कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की बात है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन स्वयं की छाती का परीक्षण जिसे कहते हैं, उसकी वीडियोस, ये कैसे करना चाहिए, ये कब करना चाहिए, इससे संबंधित वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि आप ये टाइप करेंगे ऑनलाइन, आप मेरे चैनल पे भी देखेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, तो आपको मिल जाएगा। तो डॉक्टर, इसके लक्षण कैसे पता लगेंगे, इसकी ये लक्षण है? ताकि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण कुछ इस तरीके से होते हैं। ब्रेस्ट अथवा कांच में किसी प्रकार की गांठ होना, ब्रेस्ट के आकार में किसी प्रकार का बदलाव आना, दोनों तरफ से किसी एक तरफ से छोटा बड़ा होना, ब्रेस्ट की चमड़ी में किसी प्रकार का बदलाव आना, जैसे लालिमा आना, संतरे के छिलके की तरह से कड़ी कड़ी हो जाना, या फिर किसी तरीके का निप्पल से रिसाव होना, खून का रिसाव, पानी का रिसाव या किसी और तरीके का रिसाव होना, किसी तरीके का निप्पल का अंदर धंसना या छाती का कहीं से अंदर धंसना। सिर्फ कई बार बहुत छोटा सा लक्षण होता है, जैसे कि भारीपन या खिंचाव या कुछ अनइजीनेस फील हो रही है, तो बहुत छोटे से माइन्यूट लक्षण हो सकते हैं ब्रेस्ट के। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने अभी तक इन लक्षणों में एक बार भी ब्रेस्ट पेन या छाती में दर्द का जिक्र नहीं करा है। छाती में दर्द, ब्रेस्ट पेन ब्रेस्ट कैंसर का पहला लक्षण नहीं होता। तो अमूमन लोग सोचते हैं जब दर्द ही नहीं हो रहा है तो जाके क्यों दिखाएं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको दर्द नहीं है पर आपके अंदर कोई ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसको आप मिस कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और इसीलिए आपको लक्षण जानना जरूरी है ब्रेस्ट कैंसर। तो डॉक्टर, जैसे ये ब्रेस्ट कैंसर बीमारी है महिलाओं से जुड़ी हुई है, महिलाओं में उमूमन एक थोड़ी संकुचित भाव रहता है, क्योंकि अधिकतर जो इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं इस समय फील्ड में पुरुष डॉक्टर हैं। तो आप महिला हैं और यहाँ आपके सेंटर में तकरीबन सारा ही फीमेल स्टाफ है, तो ऐसे में अब महिलाएं क्या खुलकर एज ए फीमेल डॉक्टर आपसे बात करने लगी है, कोई फर्क आया? बिल्कुल, मैं एबीसी सेंटर कुरुक्षेत्र में लगभग 1-1.5 साल से बैठी हूँ और यहाँ जब मेरे शुरुआत के कुछ महीने थे तो यहाँ पर पहले मेल्स आया करते थे, आदमी लोग आते थे और आके पूछते थे कि क्या यहाँ पे जनानी ही देख रही है।
फिर आके यहाँ पे अपनी पत्नियों को या भाई बहनों को लेकर आते थे दिखाने के लिए मेरे पास। तो इस चीज का पिछले 1 से 1.5 साल में काफी परिवर्तन आया है, क्योंकि महिला, एक महिला से अपनी दिक्कत स्तन रोग के बारे में जिस आराम से बिना संकोच के बिना लोक लज्जा के शेयर कर सकती है, वैसे बाकियों के साथ शेयर करने में थोड़ा सा उसे संकोच रहता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे एक भ्रांति ये भी है कि जब ब्रेस्ट कैंसर का इलाज होता है तो उसमें महिला की छाती को ही हटा दिया जाता है, तो क्या ये सही है कहीं? हाँ, या इसका इलाज भी कुछ है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज काफी हद तक संभव है यदि इसको शुरुआती तौर में प्रारंभिक चरण में पकड़े। यदि ब्रेस्ट कैंसर को प्रारंभिक चरण में पकड़ते हैं तो एक तरीके की नई टेक्निक और नई सर्जरी आती है जिसे कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी में छाती के जो कैंसर है उसको निकालकर, सिर्फ उतने ही हिस्से को निकालकर ब्रेस्ट का वापस रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है और ब्रेस्ट को वापस पहले जैसा बना दिया जाता है। तो उस तरीके से छाती हटाने की हर केस में जरूरत नहीं पड़ती। तो डॉक्टर साहब, यहाँ ABC सेंटर में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के दौरान जो भी सुविधाएं किस प्रकार की कस्टमर को दी जा रही है, ताकि कस्टमर को इधर उधर ना भागना पड़े? बिल्कुल, यहाँ पे हरियाणा में एकमात्र ये ब्रेस्ट कैंसर सेंटर है जहाँ पे ब्रेस्ट से संबंधित सारी दिक्कतों का इलाज आपको मिलता है। हमारे पास पूरा फीमेल स्टाफ है, हमारे पास डे केयर सेंटर है जहाँ पे ड्रेसिंग्स और बाकी डायग्नोसिस होती है मरीजों की। ब्रेस्ट से संबंधित पूरी इलाज, दवाइयाँ, डायग्नोसिस, हर रूप से सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध है, तो आप इसकी सुविधा हरियाणा में उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई डर तो नहीं इसके इलाज के दौरान? अक्सर जब भी किसी का पता लगता है कि इसको कैंसर है तो मन में एक भय बैठ जाता है कि नहीं, अब तो इसका बचना मुश्किल है, कैंसर लाइलाज बीमारी अक्सर ये भी कहा जाता है, ऐसा? हाँ, बिल्कुल, मैंने आपको यही बताया कि कैंसर, हाँ बिल्कुल, यदि आगे की स्टेज में ज्यादा बड़ी हुई स्टेजेस में पकड़ा गया तो दिक्कत रहती है, परंतु ब्रेस्ट कैंसर बाकी कैंसरों के मुकाबले एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज काफी हद तक संभव है। बस सिर्फ एक बात जानना जरूरी है कि इसको जल्दी पकड़ा जाए, इसके लक्षणों को जल्दी कोई भी डॉक्टर पकड़ के प्रारंभिक चरण में डायग्नोसिस बना सके, और उसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। यदि जागरूकता है इस विषय में तो कोई भी महिला ऐसा नहीं होगा कि उसे ब्रेस्ट कैंसर हो और जल्दी ना पकड़ी जाए। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को जागरूकता के तौर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि महिलाएं सुरक्षित रहे, अपना सेल्फ एग्जामिन भी कर सके, और अगर कहीं उनको दिक्कत हो तो वो आपके पास आए? क्योंकि कुरुक्षेत्र जैसे शहर में जहां आप इतनी बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी इस बात को एक्सपेक्ट करेंगे कि एक फोबिया है कि यहाँ का जो मरीज है इलाज के लिए अच्छे ब्रांड की ओर भागता है, दिल्ली या चंडीगढ़ की ओर भागता है, जबकि सारी फैसिलिटी आप यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसे में उन महिलाओं को जो इस बीमारी के कहीं लक्षण है उनमें, या कहीं एक वहम है, उस वहम को दूर करना चाहते हैं, तो उनको किस प्रकार आप जागरूक करना चाहेंगे? मैं सिर्फ उन लोगों को यही कहना चाहूंगी कि ये बात बहुत कॉमन है, क्योंकि आज से पहले हरियाणा में ब्रेस्ट का इलाज नहीं हो रहा था, लोग या तो चंडीगढ़ या दिल्ली ही जा रहे थे, परंतु अब आपके लिए एक ये ब्रेस्ट कैंसर का सेंटर अवेलेबल है, आप सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। आपको 3 बातें जो मैंने बताई वो ध्यान जरूर देना है, एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एक क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और तीसरा मैमोग्राफी 40 वर्ष से ऊपर। और इसके अलावा लक्षणों को ध्यान रखें, छोटे से छोटे ब्रेस्ट के लक्षण को नजरअंदाज ना करें, संकोच और लोक लज्जा को दिमाग में ना रखें, और प्लीज किसी ना किसी हेल्थ वर्कर से या एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट से आके इसके विषय में जानकारी लें। थैंक यू डॉक्टर।